अडानी जी के जो भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं बोलते, पहले का पता लगा वो सदाचारी और जो विपक्ष पे रहेगा वो भ्रष्टाचारी। इतना ड्रग्स मिला उसका क्या हुआ? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, और साथ ही वो सवाल भी कि आखिर क्या ऐसे मामलों में अगर इतने साल लग जाएं, इधर उधर उसकी टाइमिंग पर सवाल का जवाब, जांच एजेंसियों की जो क्रेडिबिलिटी है वो सवालों के घेरे में नहीं आती है? फिर 2017 से 5 वर्षों में अभी तक क्या हुआ कार्रवाई बताएं। आप एक मिनट सुनते हैं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। शिरीन जी देखिए, बोलिए शिरीन जी। शिरीन जी हाँ, एक सिविल डिबेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने ध्यानपूर्वक बातों को सुना, अभी मृत्युंजय जी की बातों को, कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों को। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये रिपोर्ट गलत है, ये इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला तेजस्वी यादव जी के नाम पे 4 लाख रुपए का है, या तो ये रिपोर्ट गलत है, इंडियन एक्सप्रेस ने गलत छापा है, सबके सब गलत है, आप सही है। 2008 में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कि लालू यादव और उनके परिवार, मैं बीच में नहीं बोल रहा था शिरीन जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था। बीच में ये इंडियन एक्सप्रेस क्या हवाला दे रहे हैं जो हम सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। मृत्युंजय तिवारी, गुड़गांव में मॉल दिखाया गया था तेजस्वी यादव का, उसका क्या हुआ? जवाब सुनिए, आप ही का सवाल मैंने बढ़ाया आगे, जवाब सुनिए। नहीं, गलती उनकी नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल के संस्कार ऐसे हैं, उनको लगता है कि जंगल राज यहाँ टीवी स्टूडियो में भी ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 200 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए का जो बंगला है वो तेजस्वी यादव के नाम पे हो जाता है, कौन बताएगा इसका सफाई देना होगा आपको, इसका आपको देना होगा सफाई, ये स्पष्टीकरण देना होगा, लगातार सुनिए जरा, नहीं मुझे बोलने का तो मौका सुनिए तो सही, मैं आप ही बोलिए, लेकिन मेरा सवाल एक मिनट मैं लगातार ये सवाल था कि ऐसे मामलों में ये सवाल लगातार उठता है कि क्यों सिर्फ विपक्षी नेताओं के ही घरों पर पहुंच जाती है ईडी की टीम, ये बार बार पूछा जा रहा है, उसी का जवाब आपको देना है। नहीं, देखिए, अगर आपको लगता है, और मैं खुली चुनौती देता हूं यहां पे अपने विपक्ष की पार्टी के प्रवक्ताओं को, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ आपके पास सबूत है तो कोर्ट में जाइए ना। आपका कोर्ट में विश्वास नहीं है, ईडी में विश्वास नहीं है, सीबीआई में विश्वास नहीं है, चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, देश की जनता पे विश्वास नहीं, तो विश्वास आपको किस पे है? हमने तय किया है कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के जो स्तंभ पे राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी खड़ी है उसको ध्वस्त कर देंगे, और आने वाले समय पे राष्ट्रीय जनता दल का नाम तक नहीं रहेगा। आपने बिहार की जो दुर्गति कुछ नहीं कर पाइएगा, सारा घोटाला किया, आपने लैंड फॉर जॉब किया, जवाबदेही कभी पूरा नहीं होगा, जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही तय करना होगा आपको। अब आप करप्शन करके भाग नहीं जाएंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन जिसका जवाब देने का मौका मृत्युंजय तिवारी में आपको भी दूंगी, और अभिषेक जी भी यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं। एक मिनट, क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।